आप कहाँ से हम बोल? दिल्ली हेड ऑफिस से कौन बनेगा करोड़पति की कंपनी से बात कर रहे हैं मैम, ये नंबर तो +92 है, मतलब पाकिस्तान का है। नहीं सर, ये नई दिल्ली से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ से आ गया सर मैम, इसमें जो नंबर आया है +92340886120। आज फिर मेरे पास कॉल आई, वो भी पाकिस्तान से, तो उसमें मुझे लॉटरी का कुछ ऐसा लालच दिया गया। फिर मैंने उनको कॉल करने की, दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर कॉल कांटेक्ट नहीं हो पाया। सो ये वीडियो बस केवल अवेयर करने के लिए, कोई कंट्री के बीच में वो रिलेशंस और उनके बारे में नहीं है। बस जस्ट इस तरह करते हैं लोग, तो जो उसको अवेयर करने के लिए, कोई कंट्री को लेकर मत रखना। मुझे पता है कि जितने भी पाकिस्तान से देखने वाले व्यूअर हैं वो उसको डिसलाइक ही करने वाले हैं, पर मैं एक बार बता देना मेरा फ़र्ज़ है। और पाकिस्तान से कॉल आया था, पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, कोई फेक बातें नहीं है, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ सुनाऊंगा। और वहाँ से कॉल आया, मुझे बताया गया कि लॉटरी मिलेगी, ये वो बेवकूफ़ बनाया गया। जस्ट मैंने उनसे पूछा कि ये तो नंबर पाकिस्तान का है, तो उसमें जो निशा मैम करके कोई थी, उन्होंने बोला कि नहीं हम दिल्ली से बात कर रहे हैं ऐसा वैसा। तो फिर कोई यार इंडियन इतना बेवकूफ़ नहीं है यार, मतलब समझो भाई, बातों को समझो। जस्ट ठीक है, ये वीडियो देख लो यार, बस केवल इस वीडियो को दिल पे मत लेना जितने पाकिस्तान वाले हो। और इंडिया वाले भाई सेफ रहना अपने हिसाब से, अपने हिसाब से देख के डील करना। सामने वाला कुछ भी कर सकता है, कितनी भी गिरी हरकत कर सकता है, पर अपने आप को सेफ रहना है। और ये वीडियो जस्ट अवेयरनेस के लिए है, कोई भी इसमें वो नहीं है। सो देखो यार वीडियो। हेलो, हेलो, हाँ कौन जी? नमस्कार, बताइए जी। मैं निशा बात कर रही हूँ, दिल्ली से कौन बनेगा करोड़पति की कंपनी से बात कर रही हूँ। दिल्ली से बात कर रही हैं आप? राइट। हेलो, मोदी सरकार बात कर रही हूँ। दिल्ली से बात कर रही हैं आप? हेलो, कहाँ से? आपसे बात कर रहे हैं, हम नई दिल्ली से बात कर रही हूँ। कौन बनेगा करोड़पति की कंपनी से बात कर रही हूँ, कंपनी की तरफ से। मैं सर 25 लाख का लॉटरी लगा है। हाँ मैम बताइए। हाँ, ये लॉटरी आपको आज ही डेट में भारतीय स्टेट बैंक से, ये लॉटरी आपका 25 लाख का लग रहा है, आपको बहुत बहुत विदाई कहते हैं, वेलकम कहते हैं। तो फिर और ये लॉटरी आपको आज की डेट में भारतीय स्टेट जी। तो मैम इसको करना क्या होगा, मुझे क्या करना होगा इसके लिए? इससे ये लॉटरी कैश करने के लिए मैं आपको नंबर दे रही हूँ बैंक में, श्री मैडम ममता देवी का, ठीक है? उनका नंबर नोट करें और अपना लॉटरी नंबर फाइल नंबर नोट करें, ठीक है? मैम उसके लिए मुझे कुछ पे करना पड़ेगा या फिर ऐसे ही हो जाएगा वो सब? नहीं, ऐसे ही हो जाएगा, आपने कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको एक मिनट का कॉल करना है, कॉल करके सिर्फ अपना लॉटरी नंबर फाइल नंबर अपना बताना है, वो मैं आपको नोट करवाती हूँ, ठीक है? ये लॉटरी कैश करवाने के लिए नंबर फिर करवा रही हूँ, उनको नंबर नोट करें और अपना लॉटरी नंबर फाइल नंबर बता रही हूँ वो नोट करें, वो अपने बैंक में को बताना है, ठीक है? मैम आप कहाँ से बोल रही हैं? ठीक है, आप कहाँ से बोल? दिल्ली हेड ऑफिस से कौन बनेगा करोड़पति की कंपनी से बात कर रहे हैं। मैम ये नंबर तो +92 है, मतलब पाकिस्तान का है। नहीं सर, ये नई दिल्ली से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ से आ गया सर? मैम इसमें जो नंबर आया है +92340886120। ठीक है सर, अगर आपको नहीं चाहिए तो कॉल को कट कर दें, पाकिस्तान का नंबर नहीं है ये, हम इंडिया से दिल्ली से बात कर रहे हैं, कहीं गुड लाइन नंबर है, गोल्डी नंबर, मैंने आपको इसी नंबर से कॉल किया है। ओके मैम, मुझे चाहिए तो पर मतलब कुछ पता होना चाहिए ना मैम। हेलो हेलो, लेना चाह रही हैं लॉटरी आप? मैम चाहिए है, सबको चाहिए। हाँ, मगर लॉटरी लेना चाहती हैं आप? हाँ ठीक है, लेने के लिए मैं आपको नंबर दे रही हूँ बैंक मैनेजर मैडम ममता देवी का, उस नंबर पर आपने कॉल करना है और कॉल करके बोलना है कि हमें नई दिल्ली और ओपो से लॉटरी के बारे में निशा मैडम ने बताया है और लॉटरी नंबर फाइल नंबर पूछेंगी तो वो मैं आपको नोट करवाती हूँ, वो आपने बैंक मैनेजर को बताना है, ठीक है? मैम उनको निशा मैम को बताना है या फिर बैंक मैनेजर को बताना है? ममता देवी को, बैंक मैनेजर ममता देवी को बताना है, ठीक है? ओके मैम, मुझे नोट कराइए मैम। हाँ नंबर रिपीट करें, 0092 3043 6677 लास्ट में लिखिए 552। एक बार कंफर्म करिएगा मैम, 0092 304 double 6 double 7 double 5 2 हाँ
हाँ मैम इस पे क्या बिल्कुल राइट है, नंबर आपने सही लिखा और अपना लॉटरी नंबर फाइल नंबर, फाइल नंबर नोट करें 00। एक मिनट, फाइल नंबर ना? हाँ टिकट नंबर फाइल नंबर आपका 00055। ठीक है 00055। और मैम और आपका लॉटरी नंबर और फाइल नंबर है, ये आपने सिर्फ बैंक मैनेजर का बताना है, जिनके पास कॉल का मैंने नंबर दिया है ना, इनका नाम है ममता देवी, ये बैंक मैनेजर है, भारतीय स्टेट बैंक से आपके साथ लैंड करूंगी मुंबई से। ठीक है, मुंबई के बैंक मैनेजर है, इनका नाम है ममता देवी और ये 25 लाख आपको आज की डेट में कैश करवा देंगी। और ये मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ कि लॉटरी आपको कैसे दिया जाएगा, कैसे आपने कैश करवाना है। ठीक है, ओके, ये लॉटरी ना, ये लॉटरी अगर आप बैंक में ले चाहेंगे तो आपका बैंक का खाता नंबर है किसी बैंक में? यस मैम है मैम, है बैंक अकाउंट है। किसी बैंक में आपका खाता नंबर होगा वो आपने खाता नंबर रिपीट करवाना है, अगर खाता नंबर नहीं है तो घर का एड्रेस नोट करवाना है। ठीक है जी मैम। हाँ बैंक का खाता नंबर है तो वो आपने रिपीट करवा लेना है, अगर नहीं है तो अपना घर का एड्रेस नोट करवा देना, कंपनी की गाड़ी आपको घर पे आ जाएगी और घर पे आपको लॉटरी नंबर दिया जाएगा, लॉटरी आपने बताना है और घर पे आपको 25 लाख दिया जाएगा। ठीक है मैम, लॉटरी नंबर तो बता दीजिए मैम। 00055 वो तो मैम फाइल नंबर था ना, ये लॉटरी नंबर फाइल नंबर ही है, 00055 फाइल नंबर है, लॉट 05 टिकट नंबर है, सेम ही है। ठीक है अच्छा मैम, ये बताइए इसके लिए मुझे कोई सिक्योरिटी चार्जेस वार्जेस तो नहीं पे करने पड़ेंगे? नहीं आपको पे नहीं, कुछ नहीं पे करना पड़ेगा, पहले अपना लॉटरी कैश करवाना है, अगर लॉटरी कैश करवाने में सर कोई खर्चा कुछ होता है। ठीक है, अगर आपको कुछ करना पड़ेगा तो आपने कर लेना है, क्योंकि 25 लाख का आपका लॉटरी आपको ये दिया जाएगा, ये आपने ना खेला है ना खरीदा है, इसीलिए आपको थोड़ा सा बैंक मैनेजर का बात मानना पड़ेगा। ठीक है ओके मैम, मैं समझ गया मैम, मैम उनसे बात कर लेते जैसे वो बोलेंगी वैसे कर लेंगे, आपने ऐसे ही करना है। ठीक है ओके मैम, अभी मैं कॉल कर लेता हूँ उनको। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके मैम थैंक यू मैम। उनका नाम ममता और आपका कॉल करने में कोई ममता देवी, उनका नाम ममता देवी और आपने कहना है कि निशा मैडम ने हमें लॉटरी के बारे में बताया। ठीक है ओके मैम, ओके ओके सर, थैंक यू। अगर कॉल लगाने में या लॉटरी कैश करवाने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बैक में कॉल कर सकते हैं। ठीक है ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके सर, थैंक यू।